गुड मॉर्निंग। इस समय 7:30 हो गए हैं। वैसे तो हम 7 बजे डॉग फीडिंग शुरू कर देते हैं, पर आज सभी थोड़ा लेट उठे हैं। तो हम जो खाना है डॉग्स का, वो कट्ठे ही जैसे जो कल निकला है उस दिन हमने शाम का भी बना लेते हैं और सुबह का भी। तो सुबह अब इस समय हम पानी गर्म करके कितना 20 सेकेंड रह गए, तो ये पानी जब गर्म हो जाएगा तो पानी हम जो रात का खाना है उसमें ऐड करेंगे, और फिर ये जो ये सारे रेजिडेंट डॉग्स हैं, ये चम्बी है, ये स्पॉट है, ये चिली है और विनी ऊपर है, और फिर जो सारे रेस्क्यू डॉग्स हैं इन सबको खाना मिलेगा। चिली का खाना है स्पेशल बोल में है ताकि ये जल्दी जल्दी निगल ना पाए। इसकी ये बड़ी गंदी आदत है, सारा खाना निगल जाता है। तो ये जो बोल है ये फोर्स करता है इसको कि ये धीरे धीरे खाए। अगर आपका ऐसा स्पेशल बोल नहीं है और आपके डॉग को भी यही प्रॉब्लम है, तो आप रेगुलर बोल में एक बड़ा सा पत्थर रख सकते हैं बीच में और उसके आसपास खाना डालें, और फिर आपका डॉग धीरे धीरे खाएगा। अब हम जाएंगे जो सारे हमारे रेस्क्यू डॉग्स हैं उनको फीड करने। फीडिंग के टाइम सारे डॉग्स को अपने अपने कैनल्स में कर दिया जाता है। ये रेस्क्यू सेक्शन है और ये सारे अडॉप्टेबल्स हैं। अब वैसे तो गर्मियां शुरू हो गई हैं, पर सुबह और रात यहाँ फिर भी ठंडी होती है, तो बिल्लो, चार्ली और बेटी जी थोड़ी सी जो धूप है वो सेक रहे हैं सुबह सुबह। इसी के साथ सुबह अब गाय का खाना और इन सब का खाना शुरू हो जाएगा, जो दोनों हमारी एक बकरा है, एक बकरी है, भेड़ है। तो इस समय तो संजू को पहले दौलत राम जी बांधेंगे क्योंकि ये बदमाशी करता है। आपने ऊपर क्यों बांधा? सर इस बगराते नहीं है और अच्छे से खा लेते हैं। चाली को फाके। ये चने भिगो के रखे हैं रात से? जी सर, इस चने। ये चार्ली का खाना है जो बेटी जी खा रही है? ये हमारा रिकवरी काउ शेड है, तो कुछ जो गाय बैल हैं वो यहाँ अंदर रहते हैं जो रिकवरी के लिए आए हुए हैं, और कुछ जो हैं बाहर बरामदे में बंधे हैं। अब हम जा रहे हैं जो हमारा पीछे रेजिडेंट काउ शेड है, जो हमने गाय और बैल अडॉप्ट कर रखे हैं उनको खाना देने के लिए। ये रेजिडेंट काउ शेड हमने पीछे इसलिए बना रखा है कि फिलहाल हमें ये ज़मीन मिली हुई है जहाँ पे हम लोग इन्हें चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो इसलिए इनका भी मन लगा रहता है। ए नयानो, आज मूड कैसा है तेरा? ओके, ये मूड है इनका। ये नयानो है, ये हमने सबसे पहले अडॉप्ट किया था। ये किंग है। ये टोफू है, छोटी जो है पीछे बूली। और अब फिर वापस घर की ओर। 9 बज गए हैं, सेकंड शिफ्ट शुरू हो रही है, और इस समय अब ये चार्ली और संजू बाहर चरने जाएंगे।
चरने के लिए तो मोस्टली चार्ली ही जाता है, पर इसका क्या है कि इसकी संजू से बहुत दोस्ती है, एक तरफा दोस्ती है, इसको संजू पसंद है, संजू को तो इससे फर्क पड़ता नहीं खैर कोई, तो अगर संजू साथ नहीं जाएगा तो ये रोएगा। अब ये जो दौलत राम जी क्या कर रहे हैं, ये इसको छींका पहना रहे हैं टेम्परेरली ताकि ये खेत में से जाएगा अभी तो ये चरते हुए ना जाए। हाँ, आपका इंटरव्यू तो हो गया ना। साहिल पीछे सारी गाय बाहर कर रहा है, रात को ये अंदर होती है जस्ट इन केस बारिश वगैरह हो जाए, तो ये खुद तो अंदर जाती नहीं है ना। ये सुंदर है, सुंदर है तो रिकवरी एरिया में फिलहाल, पर ये है हमारा रेजिडेंट, क्योंकि अभी बाहर क्या है जो रेजिडेंट का आउटशेड है वो पूरा बना नहीं है, वहां टेम्परेरी कांटे वाली तार लगी है, चेन लिंक फेंस अभी वहां लगी नहीं है, तो इसको चोट लग जाती है क्योंकि इसको दिखता नहीं है। सुंदर कहाँ जा रहा है? मेडिटेशन एरिया में कहाँ जा रहा है संजू? पीछे जो बिंद्रेश है ये अपना ग्रीन हाउस का पर्दा उठाने आया हुआ है, और मोमो जो है ये स्ट्रे डॉग है और कई बार यहाँ पे खाना खा लेती है, वैसे अक्सर बॉबी के यहाँ खाती है ये। अब बज रहे हैं 9:30, तो अब हम बाहर एक मुआयना करने जा रहे हैं क्योंकि अब हमारी घास धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, अब क्योंकि जैसे जैसे फसल सूख रही है अब इसके बाद बाजरा लगाने का टाइम आएगा, तो एक बार हम देखें हमारे पास घास कितनी बची है। ये दिनेश है, लॉकडाउन में ये हमारे साथ बाहर ही काम कर रहा है, ये अब सारा घास की जिम्मेदारी इस पे और बॉबी पे ही है। हंसना रही है? हाथ ऐसे रखे, हसो। ये क्या बनाया आपने, बता तो दो क्या बनाया? मैं? क्या बनाया, फार्म बनाया, क्या बनाया? मैं फार्म बनाया। फार्म बनाया ये? दिखाओ, समझाओ जरा कैसे फार्म है यार ये। हाँ। दिखाओ, ये फार्म है, मुझे तो ये सन लग रहा है, सन तो नहीं है ये कहीं? सन है क्या ये? या मून है ये? क्या है ये? ये मून है? हाँ, तो ये फार्म भी है, सन भी है, मून भी है, तीनों चीजें हैं। तीन चीजें। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम रिया। हाय रिया। हाय। हाय रिया। हाय। 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 हंसना। अब लगभग 10 बज रहे हैं और अब ये जो सारे बर्तन हैं जिसमें खाना बना था अब ये साफ होंगे, साहिल ट्रीटमेंट शुरू करेगा और फिर उसके बाद खाना बनना शुरू। तो अब क्लिनिक में चलते हैं, यहाँ पे साहिल या तो ट्रीटमेंट बोर्ड देख रहा होगा या मेडिसिन भर रहा होगा। ओके, तो ये अपना अब ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू कर रहा है। मुझसे कुछ कह रहा है? अच्छा, ये हमारा ओटी है। आजकल तो कोई सर्जरीज हो नहीं रही स्टरलाइजेशंस बिकॉज लॉकडाउन है, और ये हमारा सारा ट्रीटमेंट बोर्ड है जिसमें हर एनिमल का ट्रीटमेंट लिखा रहता है और जब ट्रीटमेंट हो जाते हैं तो वो चेक कर दिए जाते हैं। और अब बिंद्रेश जो है आज शाम के लिए खाना बनाना शुरू कर रहा है, ये दोपहर तक सारा खाना बन जाएगा और फिर उसके बाद ठंडा होने में इसको कम से कम 3 या 4 घंटे लगते हैं।
किचन में सारा जो ह्यूमन एनिमल है उनका खाना बनना शुरू हो गया है। पूजा हाय, शिवानी जी हाँ जी, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आ जाओ आओ मीडिया ऑफिस वालों के पास मिल के आते हैं। और ये सारी हमारी मीडिया टीम है, जब ये सब बाहर ट्रीटमेंट और खाना चल रहा है ये लोग लगे हुए हैं ताकि आप तक ये कहानियाँ पहुँच सकें। कोई हाय कहना चाहेगा? ट्रीटमेंट शुरू है जो दोपहर तक चालू रहेंगे, और अगर कोई बीच में रेस्क्यू आ गया तो उसे हैंडल करेंगे। आजकल तो हम बड़े लिमिटेड स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, और इन लोगों की हिम्मत है, इन्होंने चला रखा है, प्लस दिव्या जैसे वॉलेंटियर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं, तो काम चल रहा है। कह रहे थे कि एक फर्स्ट एड का वीडियो दिखाइए। तो ये साहिल ने ये चोट की ट्रीटमेंट शुरू की है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई जानवर मिलता है, ये तो बड़ा बैल है, रस्सी से पकड़ रखा है, पर कोई छोटा डॉग है या शांत जानवर है तो आप ये ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। तो इस समय आप देखिए साहिल ने लेटेक्स ग्लव्स पहन रखे हैं ताकि इसका कोई वूंड में और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। इसके हाथ में कॉटन है जो इसने बीटाडीन में डिप करी है। बीटाडीन की छोटी शीशी भी मिलती है बाजार में, बड़ी भी। इसने बीटाडीन से वूंड क्लीन किया है और अब ये हीलिंग ऑइंटमेंट लगा रहा है। तो ये कैलेंडुला क्रीम लगा रहा है। आप बीटाडीन क्रीम भी लगा सकते हैं और लिरोक्सिन भी लगा सकते हैं और हाईमैक्स भी लगा सकते हैं। बीटाडीन क्रीम और लोरेक्सिन का फ़ायदा ये है, वो हीलिंग में भी मदद करती है, और जो हाईमैक्स है वो ज़्यादातर हम पट्टी के ऊपर लगाते हैं ताकि उस पर मक्खियाँ ना बैठें। बैंडेज करने का फ़ायदा यही है कि जो वूंड है उसमें ना डस्ट जाएगा ना उस पर मक्खियाँ बैठेंगी, और वो जो हीलिंग है फास्टर रहेगी।